नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह मैं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन विस्तार में जाने से पहले सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। किसानों के गेहूं फसल उत्पादन का जायजा लेने मानीराम पहुंचे डीएम। खेतों में फसलों के अवशेष ना जलाने की किसानों से की है अपील। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने बिजली विभाग के विभिन्न योजनाओं में चल रहे कार्यों की समीक्षा, दिया गुणवत्ता और समय से पूरा करने का निर्देश। रिश्वत लेने के आरोप में दो सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल पर एसएसपी की गिरी गाज, किए गए सस्पेंड। रेल प्रेस कर्मी के शोकाकुल परिवार से मिले पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, कहा हत्यारों की जल्द हो गिरफ्तारी। जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेय ने ओडीएफ पर बने वॉर रूम का किया औचक निरीक्षण। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाले निर्माण कार्यों की स्थलीय निरीक्षण करके कार्यों के प्रगति का लिया जायजा। दलितों के प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों पर हुए अत्याचार के विरोध में कांग्रेसियों ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा अलका अग्रवाल ने नर्वो डिज्नी वर्ल्ड स्कूल के विस्तारित भवन का किया उद्घाटन। लोकतंत्र सेनानी सेवा संस्थान की मासिक बैठक नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में हुई संपन्न। और सक्षम फिल्म की शूटिंग पर आए फिल्मी किरदार नत्था उर्फ ओमकार दास और हिबा शाह ने कहा कि शिक्षा पर है सभी वर्ग का अधिकार। अब खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने विकासखंड चरगावा के ग्राम सभा मानीराम में गेहूं फसल की पैदावार का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने क्राफ्ट कटिंग कराकर फसल के उत्पादन का भी जानकारी हासिल की और किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसलों के डंठल और अवशेषों को खेतों में ना जलाएं, जिससे आगजनी की घटना से बचा जा सके। इस संदर्भ में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि अगर कोई किसान अपने खेतों में फसल का अवशेष जलाता है तो उसके ऊपर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। इस संदर्भ में उन्होंने बताया, यहाँ जो लगातार रोस्टर लगता है डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर का और राजस्व ऑफिसर का, जो क्रॉप कटिंग के लिए जा करके हम लोग के सामने क्रॉप कटवाते हैं, उसके बाद उसको तोड़ करके हम लोग जो सूचना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और अन्य विभाग को भेजते हैं, ताकि जो उससे पैदावार पता चल जाता है, पैदावार का एवरेज क्या निकल रहा है। मैं सुबह में गाँव का विजिट किया था, वहाँ का कटान चालू कर दिया, कटान हो गया है। फिलहाल इस बार का पैदावार अच्छी है। हम एक दो डायरेक्शन हम लोग नीचे जनता को भी आपका चैनल के जरिए से देने चाहते हैं। जो फसल कटान के बाद एक बड़ा समस्या हम लोग के सामने खड़ा होता है, जो फसल इस समय में गेहूं का फसल काटने के बाद जो बची हुई चीज़ है उसको जला देते हैं, वो क्या धीरे धीरे कभी फिल करके वो बड़ा आगजनी घटना हो जाता है। इसलिए इस बार NGTV काफ़ी तगड़ी रोक लगा दिया। उसके अलावा हम लोग भी लेखपाल कानून को सबको ये सूचित कर रखा है, ऐसे कोई व्यक्ति अपने जो चीज़ वो जो बचा हुआ है खेत में उसको जलाता है, वो अपराध की श्रेणी में आता है, उनके खिलाफ कार्रवाई कराना पड़ता है, ताकि कहीं कहीं बड़ा घटना के रूप से हो जाता है। उसके अलावा जो प्रदूषण भी हो जाता है, वहाँ वायु प्रदूषण हो जाता है, दोनों रोकने के लिए हम लोग इस बार सख्ती कदम उठाए। कहीं भी ये रिपोर्ट होता है तो हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। सर, जुर्माना भी कुछ लगाने प्रावधान है क्या? जुर्माना भी लगेंगे, उसका 133-145 के अंदर ये अपराध के श्रेणी के अंदर 6 महीने तक सजा भी मिलेगा उस पर। बट पहले कोशिश कर रहे हैं हम लोग सबको ये जानकारी देते हुए ये ना करें, हम प्रिवेंटिव एक्शन में अभी लगे हुए हैं, ताकि ये होने के पहले हम कैसे बचाएंगे वो हम लोग कार्रवाई चालू है हम लोग का। यदि कुछ होता है तो फिर उस हिसाब से कार्रवाई शुरू करेंगे। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने आयुक्त सभागार में विद्युत विभाग के विभिन्न योजनाओं में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना
आईसीपीडीएस योजना और सौभाग्य योजना के जनपद वार एवं क्रम वार सभी कार्यों की फिजिकल स्थिति की सूची 2 दिन के अंदर उपलब्ध कराएं। मंडलायुक्त ने यह भी निर्देश दिया है कि जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उन्हें समय से गुणवत्ता के साथ पूर्ण करा लिया जाए। समीक्षा के दौरान उन्होंने मंडल के विभिन्न जनपदों में विद्युत सुधार के लिए हो रहे कार्यों की समीक्षा भी की। इस दौरान विद्युत विभाग के अधिकारी एवं कार्यदायी एजेंसी के प्रतिनिधिगण भी मौजूद रहे। पासपोर्ट, ठेकेदारी, चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन सहित अन्य कार्यों में जनता से रिश्वत मांगने वाले कर्तव्यों में लापरवाही, उदासीनता, अनुशासनहीनता बरतने के आरोप में 2 सब इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल पर एसएसपी की गाजगिरी है। एसएसपी ने पासपोर्ट सत्यापन में रिश्वत मांगने के आरोप में गोरखनाथ थाने के कांस्टेबल राहुल कुमार सिंह तथा मीडिया ग्रुप पर वायरल वीडियो जिसमें हाटा बाजार निवासी रामदेव के पुत्र धर्मेंद्र तथा राजेंद्र मद्देसिया से बगैर पैमाइश की जमीन पर दीवार का निर्माण कराने जाने संबंधित प्रकरण में धन उगाही की शिकायत मिलने पर गगहा थाना पर तैनात सब इंस्पेक्टर रामानुज सिंह यादव तथा दिनेश कुमार यादव को सस्पेंड कर दिया है। इस संदर्भ में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने इस घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया। ए सर जी, अच्छा अच्छा, हो गया थोड़ा जुकाम, सर भारी हो गया है, मन नहीं कर रहा। मैं गया था तो बैठने वहीं, लेकिन मैं चल के आराम करो, बैठिए। दवाई ले रहे हैं 20 बा, अबे आज बैंकवा बंद ही बा, अबे सजावा कहीं व्यवस्था कर, ओके 10 पहुँचवा जाए, बात कर लीजिए उनसे, बतिया लें। अब 1 घंटा में, अच्छा 2 घंटा में, अब भी हम कमवा पुमा कितना कराए थे? कमवा बाउंड्री मारे हुआ 20 दिया 10 कर रहे हैं 2 घंटे बाद, 20 दिया 10 कर रहे हैं 2 घंटे, अबे 2 घंटा पहुंचवा जाए तो बैंक को गए लेता, सनिचर बंद हुआ 2 घंटे बाद बैंक बंद है बता रहे हैं शाम तक। अच्छा, 20 दिन है, बतिया लिया तो ही नहीं कि 20 में जो टीमों से बता दिया वो का टेंशन ना है बाबे, 2 घंटा हम बस वही खरीद जाते, पैसे खरीद जाता नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है उनको भेज दे रहे हैं, ठीक है ठीक है, अपन काम करा अभी भी काम में करे, आई रात में हो जाए कुछ, अभी हम पूरा दिन हो जाए ठीक है, मारपीट ना है ठीक है सर जय। ये कल थाना गगा का एक वीडियो प्रकाश में आया था जिसमें एक सब इंस्पेक्टर दूसरे सब इंस्पेक्टर से पैसे के लेन देन की बात कर रहा था, इस तरह के वीडियो की जांच जो है एसपी साउथ को दी है, प्रथम दृष्टया इन आरोपों की पुष्टि हुई है, इन आरोपों की पुष्टि करते हुए उन दोनों सब इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड किया गया और इसकी प्रारंभिक जांच ऑर्डर की गई। थाना गोरखनाथ में एक सिपाही के पासपोर्ट वेरिफिकेशन में पैसे की डिमांड प्रकाश में आई थी, उन सिपाही को जाँच उपरांत उसको भी सस्पेंड किया गया। मंगलवार को रेलवे परिसर में रेल कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई थी, जो कि जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव राकेश यादव के रिश्तेदार भी थे। बुधवार को शोकाकुल परिवार से मिलने आए राज्यसभा सांसद डॉक्टर संजय सिंह ने संतावना दिया। शोकाकुल परिवार से जिला कांग्रेस
पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मुलाकात किया और उन्हें सांत्वना भी दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व मंत्री भारत सरकार और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संजय सिंह ने कहा, भैया पीछे डॉक्टर जो है एक अपनी सड़क कायम करने के लिए ये घटना का दिया गया, जबकि विगत अभी कुछ दिनों पहले इन लोगों ने फरवरी में 11 लाख रुपए का भुगतान लोगों को किया, थोड़े पैसे देने थोड़ा आगे आ जाओ आप ही आप ये मामी हमारी है और प्रशासन ने हम लोगों का एफ आई आर नहीं किया और न कोई इस तरीके का हमने पूरा प्रदेश में हम देख रहे आज इसका पेपर अगर इस चीज पे जरा सी लापरवाही हुई हम लोगों को ये तो ये लड़का तो गया ही गया, आप विश्वास करिए कि कई लोगों को इस तरीके से होंगे इसके इसका माहौल है, डरते ही वो सारे पैसे आते हैं, जितना डरेगा आदमी उतना ज्यादा पैसे का कुछ नहीं कुछ नहीं रेलवे का साफ है यात्री कारखाना में केमिकल है देश है नगर निगम है जहाँ पे 40 बजे और ये रेलवे का प्रेस भैया और उसको वहाँ मारेगा पीटेगा टॉर्चर करेगा और उसकी हालत दूर तक जाएगी और पैसे की वसूली में आरपीएफ का भी हिस्सा हो जाएगा, ये बहुत दिन से ये खेल है। अगर 33% 33% ऐसा है, पीड़ित परिवार से मिलने में आया और बड़ा दुखद है कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, पूरा प्रदेश तो बहुत बड़ा है लेकिन अपने जिलों को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, बहुत बड़ा ढोल पीटते हैं कि हम शांति और लॉ एंड ऑर्डर सब ठीक कर देंगे लेकिन तमाम सारे एनकाउंटर तमाम सारे एक्शंस लेने के बाद भी उत्तर प्रदेश जस का तैसा है और हमें लगता है कि जनता ने टेलर दिखाया है बाई इलेक्शंस में, आने वाले समय में भाजपा साफ होगी तभी इन सारी चीज़ों का इलाज। विकास भवन में बने ODF के वॉर रूम का निरीक्षण DM के विजयन पांडेय ने किया। इस औचक निरीक्षण में उन्होंने कार्यों में संतुष्टि पाई और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जल्द से जल्द जिले को ODF मुक्त कराने के लिए वॉर रूम का व्यवस्था की गई है जिसमें तैनात कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए DM के विजयन पांडेय ने कहा कि जल्द से जल्द इस दिशा में प्रगति दिखाई देनी चाहिए। ब्रेक में जाने से पहले चलिए जल्दी जल्दी दोबारा नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। किसानों के गेहूं फसल उत्पादन का जायजा लेने मानीराम पहुंचे DM, खेतों में फसलों के अवशेष ना जलाने की किसानों से की है अपील। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने बिजली विभाग के विभिन्न योजनाओं में चल रहे कार्यों की समीक्षा, दिया गुणवत्ता और समय से पूरा करने का निर्देश। रिश्वत लेने के आरोप में 2 सब इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल पर SSP की गिरी गाज, किए गए सस्पेंड। रेल प्रेस कर्मी के शोकाकुल परिवार से मिले पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, कहा हत्यारों की जल्द हो गिरफ्तारी। जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेय ने ODF पर बने वॉर रूम का किया औचक निरीक्षण।
मंडलायुक्त अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाले निर्माण कार्यों की स्थलीय निरीक्षण करके कार्यों के प्रगति का लिया जायजा। दलितों के प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों पर हुए अत्याचार के विरोध में कांग्रेसियों ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा अलका अग्रवाल ने नर्वो डिज्नी वर्ल्ड स्कूल के विस्तारित भवन का किया उद्घाटन। लोकतंत्र सेनानी सेवा संस्थान की मासिक बैठक नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में हुई संपन्न। और सक्षम फिल्म की शूटिंग पर आए फिल्मी किरदार नत्था उर्फ ओमकार दास और हिबा शाह ने कहा कि शिक्षा पर है सभी वर्ग का अधिकार। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज के तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐशपुरा के शोरूम जाइए और जितने भार का सोना आप खरीदेंगे उतना ही चांदी मुफ्त पाइए। अपने आप को गोरखपुर न्यूज का दर्शक बताइए और इस विशेष ऑफर का लाभ उठाइए। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री के प्राथमिकताओं वाले एक निर्माण कार्यों की स्थलीय निरीक्षण करके कार्यों के प्रगति को देखा। उन्होंने सर्वप्रथम सर्किट हाउस में जाकर निर्माणाधीन एनेक्सी भवन को देखा और समय से कार्य को पूरा कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को भी दिया। इसके उपरांत उन्होंने रामगढ़ ताल का निरीक्षण करके रामगढ़ ताल में हो रही प्रतिरोधात्मक कार्यों के निरीक्षण के उपरांत नंदानगर अंडरपास के निर्माण की स्थिति को भी देखा। मंडलायुक्त ने उसके उपरांत नंदानगर में एम्स के निर्माण के लिए नाले की भी जानकारी ली, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से प्राप्त किया। उन्होंने नौसड़ से बाघागाड़ा तक बन रहे 4 लेन के कार्यों को भी देखा। इस दौरान संबंधित अधिकारियों ने बताया कि 3.25 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर मिट्टी का कार्य अंतिम चरण में है। इस पर मंडलायुक्त ने निर्माण कार्यों में और तेजी लाने को कहा और इस दौरान अधिकारियों को बताया कि पोल एवं तार शिफ्टिंग के लिए बिजली विभाग को 2 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता एवं अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे। 2 अप्रैल को SC ST एक्ट के बदलाव के विरोध में प्रदर्शन कर रहे दलितों के ऊपर अत्याचार का आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सैयद जमाल के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम से संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाध्यक्ष डॉक्टर जमाल अहमद ने बताया कि आंदोलन के दौरान दलितों के ऊपर अत्याचार किया गया है जिससे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने इस प्रकरण में आगे कहा, लिखे प्रदेश संगठन मंत्री इधर एक फोटो है।
पांडे जी अभी सर ठीक है। जब से भाजपा की सरकार आई है दलितों पर निरंतर अत्याचार बढ़ रहे हैं, कहीं उनकी हत्या की जाती है, कहीं लाठीचार्ज किए जाते हैं, कहीं उनकी बस्तियों को जला दिया जाता है। पूरा दलित समुदाय तराई तराई माम मचाए हुए है और ये लोग अंबेडकर जी की दुहाई देते हैं, दलितों के हितों की बात करते हैं। 2 अप्रैल को जो दलितों का आंदोलन हुआ उसमें बर्बर लाठीचार्ज वहाँ की सरकारों द्वारा किया गया, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह की प्रदेश सरकारों द्वारा उनके ऊपर बर्बर लाठीचार्ज किया गया। अनेक दलितों की, असहाय लोगों की मौत हो गई। उसके विरोध में हम अपने महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के आह्वान पर और अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री राज बब्बर जी के निर्देश पर जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के लोग ये ज्ञापन देने महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि दलितों पर तुरंत उनके ऊपर हो रहे अत्याचार पर लगाम लगाई जाए, रोक लगाई जाए और जो उसके लिए दोषी हों उनको दंडित किया जाए। जिलाधिकारी के माध्यम से ये ज्ञापन हम राष्ट्रपति महोदय को सौंपने के लिए यहाँ पर आए। पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा अलका अग्रवाल ने नर्वो डिज्नी वर्ल्ड स्कूल के विस्तारित भवन का उद्घाटन बुधवार को फीता काटकर किया। इस अवसर पर संगठन की सचिव सुजाता सिंह, कोषाध्यक्ष संगीता अग्रवाल, संयुक्त सचिव पूजा खरे सहित संगठन की अन्य सदस्याएं मौजूद रहीं। पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन के द्वारा संचालित नर्मो डिज्नी वर्ल्ड स्कूल में बच्चों को उच्च स्तरीय पठन पाठन की सुविधा दी जाएगी। इस स्कूल के भवन के विस्तृत हो जाने से बच्चों के पठन पाठन का कार्य और भी सुचारू रूप से होगा। बुधवार को लोकतंत्र सेनानी सेवा संस्थान की मासिक बैठक नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य सेवा संस्थान के सदस्यों के हितों के लिए कार्य करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और पेंशन भोगियों के पेंशन प्राप्त करने में आने वाली रुकावटों का समाधान करना था। इस संदर्भ में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लोकतंत्र सेनानी सेवा संस्थान के अध्यक्ष राम सिंह ने कहा, 95-35-84-95-72 हो किसी के यहाँ कोई संकट हो सबके लिए है। आप पता भी कर सकते हैं पूरे प्रदेश में आप इतना सक्रिय संगठन पूरे प्रदेश में कहीं नहीं। समय से आपके यहाँ जितना समय से पैसा आपके यहाँ पहुँचता है खर्च न करे पड़े ना के बाद क्या होता है खाते में आ चुका मैसेज में हो सकता कभी ना आया। बैठक क्या संपन्न किया गया? लोकतंत्र सेनानियों की बैठक हर महीने के बुधवार को, पहले बुधवार को बैठक होती है जिसमें लोकतंत्र सेनानियों की सुविधा के लिए, लोकतंत्र सेनानियों के परिवार घर में किसी प्रकार की दिक्कत हो या उनकी कोई समस्याएं हो, समस्या हो, उनके समस्या के समाधान के लिए हम लोग बैठक करते हैं। हम लोग बैठक में अपनी मांग भी सरकार के समक्ष रखते हैं कि हम लोगों को जो सुविधा मिल रहा है उसको बढ़ाया जाए और तरह तरह की जो भी बातें आती हैं सामने उसको हम लोग लोगों के समक्ष रखते हैं और उनके समाधान का कोशिश भी करते हैं। हम लोगों की कोशिश यह है कि है जैसा कि वर्तमान सरकार के मंत्री श्री पाठक जी ने घोषणा किया है कि 500 रुपये सरकार बनाने, सरकार 5,000 रुपये सरकार बढ़ाने के लिए सहमत हो गई है उसके लिए भी हम लोग चिट्ठी पत्री लिख रहे हैं। हम लोगों को आशा है कि मंत्री जी जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त हो रही। आज की बैठक का मुख्य विषय आज नहीं, हर महीने की बुधवार को, पहले बुधवार को ये बैठक होती है जिसमें हर बैठक में मुख्य विषय रहता है कि हम लोग सबके सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, अगर इन लोगों की कोई समस्या है उसका समाधान भी करते हैं और समय समय पर सरकार के द्वारा जो भी सूचनाएं आती हैं हम अपने साथियों को बताते हैं। जैसे अभी अभी एक सूचना आई है कि हर लोकतंत्र सेनानी को ब्लड ग्रुप देना है, हम लोग अपने साथियों को ले जा करके अस्पताल में ले जा करके सबका ब्लड ग्रुप देने का काम करेंगे। गोरखपुर के वनटांगिया ग्राम में शुरू हुई हिंदी फिल्म सक्षम की शूटिंग पर आए फिल्म पीपली लाइव के नत्था का किरदार निभाने वाले ओमकार दास
मानिकपुरी अभिनेता नसरुद्दीन शाह की सुपुत्री हिबा शाह और प्रोडक्शन टीम एवं डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्या एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही फिल्म सक्षम के थीम की जानकारी देते हुए बताया कि सभी वर्ग को शिक्षित होना चाहिए। ग्रुप न्यूज से बात करते हुए ओमकार दास मानिकपुरी और हिबा शाह ने बताया, ये फिल्म शायद मेरे ख्याल से वहाँ के बच्चों को लेकर उन्होंने वो गांव लोकेशन पे लिया और हम इसी तरह के हमारे यहाँ बहुत से गांव हैं, गांव हो या शहर हो हर जगह है, इस गरीब बच्चों को लेके ये हम फिल्म बना रहे हैं। मतलब टिफिन कहानी उन्होंने उस गांव का नहीं लिखा है, एक इंडिया से ही लिखा है, जो किसी भी कंट्री का हो सकता है, चाहे वो अब यहाँ के हैं, ये इनको गोरखपुर में आसानी जो करना चाह रहे हैं यहीं के हैं वो, इसलिए उन्होंने यहाँ का लोकेशन लिखा है। बाकी ये उस गांव से कोई भी संबंधित नहीं है, किसी गांव का करना है ऐसा नहीं। फिल्म देखा जाए तो तमाम मौके आबादी आज कल फिल्म जो चल रहे हैं काम जाम को लेकर के बनाया जा रहा है, तो क्या उस स्तर पे जो आप फिल्म बना रहे हैं ये शिक्षा के आधारित कहाँ तक सफल होने की उम्मीद है? अब ये देखिए हमने प्रयास कर रहे हैं, हम एक एक्टर के नाते डायरेक्टर ने अपना राइटिंग किया है, उनका भी पूरा फूल प्रयास है कि ये फिल्म यहाँ तक कि हो हम बनाए और सामने पर प्रजेंट हुए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुँचे, खास करके जो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है हमारे राज्य के होते हैं या प्रदेश के, तो ऐसे ऐसे जगह में नहीं पहुँच पाते हैं, खास करके यहाँ पे उनको पहुँचना चाहिए। तो इसका उद्देश्य यह भी है कि आप ऐसे जगहों में भी जाके आप देखिए जहाँ पे इस तरह के कुछ बच्चे हैं जिनको इस सहयोग की बहुत ज़रूरत है। गोरखपुर में फिल्म आप शूटिंग कर रही हैं, गोरखपुर के से लेकर बच्चों को आधारित आप फिल्म सक्षम बना रही हैं और उसमें विज्ञप्ति का क्या उद्देश्य है, थीम क्या है इसका? थीम क्या है? थीम इसका ये है कि सक्षम विद्यार्थी के पावर इसलिए जो भी बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते, जो 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 जिस कारणवश पढ़ नहीं पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते, अनाथ हैं जो भी, तो उनको सबको पढ़ना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि सारे बच्चे सबको एजुकेशन मिले और यही है थीम का, और ये हम हमारे लिए बहुत स्पेशल है, हम सबके लिए बहुत स्पेशल है, और हम सब चाहते हैं कि सारी लड़कियाँ लड़के सबको इनफ एजुकेशन मिले ताकि अपना चलिए चलने के पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। किसानों के गेहूं फसल उत्पादन का जायजा लेने मानीराम पहुंचे डीएम, खेतों में फसलों के अवशेष ना जलाने की किसानों से की है अपील। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने बिजली विभाग के विभिन्न योजनाओं में चल रहे कार्यों की समीक्षा, दिया गुणवत्ता और समय से पूरा करने का निर्देश। रिश्वत लेने के आरोप में दो सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल पर एसएसपी की गिरी गाज, किए गए सस्पेंड। रेल प्रेस कर्मी के शोकाकुल परिवार से मिले पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, कहा हत्यारों की जल्द हो गिरफ्तारी। जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने ओडीएफ पर बने वॉर रूम का किया औचक निरीक्षण। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाले निर्माण कार्यों की स्थलीय निरीक्षण करके कार्यों के प्रगति का लिया जायजा। दलितों के प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों पर हुए अत्याचार के विरोध में कांग्रेसियों ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन।
पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा अलका अग्रवाल ने नर्वो डिज्नी वर्ल्ड स्कूल के विस्तारित भवन का किया उद्घाटन। लोकतंत्र सेनानी सेवा संस्थान की मासिक बैठक नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में हुई संपन्न। और सक्षम फिल्म की शूटिंग पर आए फिल्मी किरदार नत्था उर्फ ओमकार दास और हिबा शाह ने कहा कि शिक्षा पर है सभी वर्ग का अधिकार। इस बुलेटिन में बस इतना ही, तो अगले बुलेटिन तक का करिए इंतजार और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज, न्यूज बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।